Assalamualaikum. This is me Cherry bro. Welcome to my YouTube channel. जैसे कि आज सुबह हुई थी जल्दी, लेकिन ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं थोड़ा सा लेट, और क्योंकि मेरी जो हेल्पर है वो आई थी देर से, तो इसलिए मैंने ब्लॉग किया है स्टार्ट देर से। और किचन का जो काम है वो समेट लिया है मैंने, और जो लंच थी वो भी मैंने थोड़ी सी तैयार कर दी है, बाकी जो है वो करते हैं आप लोगों के साथ। तो और एक बात, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं है किया तो जल्दी से करते सब्सक्राइब, और जल्दी जल्दी से करते 10K, ताकि करते हम गिव अवे। और एक बात बताती चलूँ कि जो मैंने आप लोगों के साथ मास्क वाला, जो आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देखे वीडियो, और वो हाजानी जो सलून है उन्होंने की है जेरी फैमिली के लिए बहुत सारी गिफ्ट्स, तो वो गिफ्ट्स आ जाएं तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या गिफ्ट्स उसने जेरी फैमिली के लिए की हैं। तो जो भी सब्सक्राइबर हैं उन्हें मिलेगा वो गिफ्ट, और जल्दी जल्दी से कर दें भाई सब्सक्राइब, ताकि आप लोग गिफ्ट में शामिल हो सकें। और एक और बात कि उसके लिए मैंने रखा है एक टास्क, जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा है पेज, उसका ले लें स्क्रीनशॉट ले लें उसका, और वो आप लोग अपने इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और व्हाट्सएप पे, तीनों पे लगा दें स्टोरी, और फिर 24 आवर्स में जिनके भी व्यूज़ ज़्यादा होंगे तीनों जगह के, वो कर दिए जाएंगे काउंट करके, जिनके भी ज़्यादा होंगे वो होगा विनर। तो ये 2 दिन में मैं करूंगी विनर अनाउंस, और जल्दी जल्दी से कर दें ये टास्क पूरा। तो अब चलते हैं अपने किचन में, करते हैं बाकी काम जो छोड़ा। इंस्टाग्राम की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग 24 आवर्स के बाद DM लाजमी करिएगा, ताकि मैं विनर अनाउंस कर सकूं। तो जी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मैंने जो आधी चीज़ें थी वो स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने जो मैरिनेट किया था वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या डाला था। इसमें एक मैंने क्रीम तंदूरी मसाला और थोड़ी सी चीनी डाली थी, सोया सॉस, और मैंने इसमें डाला था जो है टिक्का मसाला। तो इन सबको मैंने मिक्स किया, और इसमें मैंने अदरक लहसुन का जो है पेस्ट वो भी ऐड किया, और इसको मैंने किया था मिक्स अच्छी तरीके से, मिक्स करके मैंने इसको रख दिया था फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए। फिर मैंने करने लगी थी अपना नाश्ता, जो कि मैंने नाश्ता बनाया था पहले, तो वो नाश्ते के साथ साथ मैंने 12 seconds later प्याज और टमाटो जो है वो भी बना दिए थे, तो इसमें जाके सिर्फ मैंने चिकन को ऐड किया। तो नाश्ता बनाने के बाद मैंने ये चिकन इसमें ऐड किया, और इसको मैंने किया मिक्स। मिक्स करने के बाद ये जो चिकन का पानी था और टमाटो था, इसमें थोड़ा सा चिकन जो है इसमें मिक्स हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे वाटर, तो थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करेंगे, ताकि ये थोड़ा सा ही ऐड करेंगे ताकि ये क्रीम फॉर्म में आ जाए। तो इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं वाटर, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये चिकन जो है इसमें गल जाए। और एक बात बताती चाहूँ आपको, जो आपको मेरी स्क्रीन पर जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसको जाएं ओपन करें, और करते हैं इसको सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद इनकी जाके वीडियोस देखें, मज़े की रेसिपीज हैं, और जाएं जाके इनकी वीडियो देखें, और ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर लाजमी करें। तो यहाँ पर आधे घंटे के बाद हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी बचता है, तो इसको मैं अभी थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दूंगी, लेकिन अभी ऑयल देखिए निकल रहा है, तो ये हो चुका है हमारा रेडी, लेकिन थोड़ी देर इसको पकाऊंगी। तो तब तक के लिए ये बिल्कुल रेडी होता है, और वैसे भी भूख भी अभी तक तो नहीं लगी है, तो इसलिए भले ये जलता रहे। क्या बात कर रहे बाबा। तो इसकी आँच मैंने कर दी थी ज़्यादा, ताकि ये जो बाकी पानी है वो ख़त्म हो जाए। तो ये यहाँ पर हो चुका है रेडी, अब इसको छोड़ देते हैं जब तक मूड हो खाना खाने का।
तब तक मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक फेस पैक की रेसिपी जो है वो शेयर करती हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है राइस का पाउडर, जो राइस का आटा होता है वो मैंने लिए हैं 2 चम्मच। साथ में दिया है मैंने हल्दी, जो किचन में हम यूज़ करते हैं हल्दी, वो लिया है, दूध लिया है और हनी लिए। तो हल्दी मैंने 1 चम्मच डाला है और जो है हनी जो है वो भी मैंने 1 चम्मच डाला है, और दूध अपने अकॉर्डिंग जो चूज़ हो, क्योंकि इसको हमें थोड़ा सा पेस्टी टाइप बनाना है। तो मैंने ये आधा से थोड़ा कम लिया था दूध, तो मेरा ये सारा दूध यूज़ हो चुका है इसमें। और इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये अच्छी तरीके से हो चुका है मिक्स, और ये कलर देख सकते हैं आप इसका पूरा येलो हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें हल्दी यूज़ की। और अब इसको हम लगाते हैं, मैंने टॉवल वगैरह लगा दिया है क्योंकि कपड़े ना ख़राब हो इस वजह से। तो अब इसको मैं हाथों पे अपनी जो है पूरी दोनों हाथों में लगाऊंगी, और आपको लगाकर फिर आपको दिखाते हैं। लगाते जाओ इतनी फास्ट लगाते जाओ जी। तो जब तक ये लगता है, तो मैं आप लोगों को इसके साथ साथ बता दूं कि लिंक मैंने इंस्टाग्राम की जो है वो लिंक शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग 24 आवर्स के बाद जो स्टोरीज लगाएंगे उसका DM इंस्टाग्राम पे कर दीजिएगा, ताकि मैं अनाउंस विनर जो है अनाउंस करूँ, और उसमें से देखकर फिर जिसके रिव्यूज ज़्यादा होंगे तो वो होगा विनर। तो ये हमारी हो चुकी है कंप्लीट, हमारे हाथ में तकरीबन से, हाँ जी, तो ये हो चुके हैं हमारे हाथ कंप्लीट। तो अब इसको हम छोड़ेंगे, 10 से 15 मिनट छोड़ेंगे, और 2000 years later अब 15 मिनट के बाद अब हम इसकी करेंगे मसाज, पूरी तरीके से मसाज, अच्छे तरीके से मसाज करेंगे हम इसकी, और पूरे हाथों में कलाई तक इसकी जो है पूरी अच्छी तरीके से मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद मैं इसको वॉश करूंगी, और जो मेरा बचा था थोड़ा सा, तो वो मैंने अपने फेस पर भी लगा लिया था। चलिए जी, इसकी जो है अच्छे तरीके से मसाज करेंगे, जैसे हम मैनीक्योर में करते हैं, इसकी बाकायदगी से साथ मसाज करेंगे, और जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसको मसाज करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। तो हाथ में ही दर्द होने लगा है, करते करते मसाज, तो अभी भी मुझे, क्योंकि ड्राइनेस नहीं हो रही है मुझे, तो इसलिए मैं अभी भी 5 मिनट और मजीद करूँगी, फिर जाके मैं वॉश करूँगी अपनी हैंड, क्योंकि हैंड के बाद मुझे फिर फेस को भी मसाज करना है। तो जी, ये कंप्लीट हो गई इसकी मसाज पूरी, मैंने फेस का भी मसाज कर लिया है, फिर मैं अब जा रही हूँ वॉश करने। 15 minutes later ये देखें अब इसका रिजल्ट, और वाकई में इतने सॉफ्ट हो गए हैं हाथ मेरे, इतने सॉफ्ट, यकीन नहीं करोगे, लेकिन सॉफ्ट बहुत हो गई है मेरी स्किन, फेस की स्किन जो है बहुत ही ग्लो कर रही है, और हाथ मेरे जो है ना इतने सॉफ्ट नहीं, इस ये मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है, और फर्स्ट टाइम लगाया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ही शेयर कर दूँ, फर्स्ट टाइम ही लगा कर, लेकिन बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट, अमेजिंग 100%। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें इसको, ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सो अब चलते हैं खाने की तरफ, खाना वाना खाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओ भाई, जब खाना शाना खाने के बाद मैं लेट गई थी, तो चली गई थी लाइट हो गई थी गुल, और मैं जब निकली बाहर तो मौसम बड़ा रोमांटिक, बड़ा मज़े का लग रहा था, तो मैं चली गई फ़ौरन ऊपर। ऊपर आने के बाद बादल जो है वो ज़बरदस्त लुक दे रहे हैं, और फिर अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई है, देखें आप कितनी बारिश, अचानक से हवा भी लग रही है और बारिश, इतना रोमांटिक, इतना मज़ा आ रहा था बारिश में कि क्या ही बताऊँ। चेक करें अब बारिश का आवाज़, क्या मज़े का आवाज़ होता है ये बारिश का, बूंदों का जो आवाज़ होता है, जिस कोने में जाओ उस कोने में बारिश लग रही है, भाई कहाँ छुपे, पूरा जो है मेरा फ़ोन जो है गीला हो गया था। अब यहाँ पर ये करना है मुझे कवर, क्योंकि नीचे जाता है पानी सारा, स्पीड में जब बारिश होती है तो पूरी नीचे पानी आ जाता है, तो अब मैं इस ब्लैंकेट के साथ करूँगी इसको कवर, क्योंकि ये मैंने इस चीज़ के लिए खास रख दिया है जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए। चलें जी, ऊपर तो कवर हो गया, अब आ गई हूँ मैं नीचे सेकंड फ्लोर पर, जो है वो यहाँ पर देखें जैसे स्विमिंग पूल बना हुआ है,
क्योंकि यहाँ पर भी इतनी, जाहिर सी बात है, इतनी बारिश होगी तो एक तो ड्रेन जो है वो काम नहीं करेगा, तो इसको हम जब, क्योंकि कचरा होता है वो जमा हो जाता है, कचरा जमा हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है पानी तो रुकेगा। फिर मैं थोड़ा सा साफ करके आके बैठ गई हूँ झूले में, थोड़ा सा इंजॉय करने बारिश को। और भी तो सामने जो है वो बह रहा था, और मैं यहाँ पर ऊपर बाहर का व्यू आपको दिखा रही हूँ कि कितना पानी रुका हुआ है रोडों पर। देखिए रोड पर जो है वो पानी रुका हुआ है, बच्चे जो है खेल रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा है कि मुझे भी बाहर जाना है जी। तो खैर यहाँ पर भी पानी रुका हुआ था तो हमने यहाँ पर इंजॉय कर लिया। A few moments later. बारिश तो वैसे भी अब रुक चुकी थी, तो अब थोड़ा सा इंजॉय करके अब मैं हम चले गए नीचे। नीचे आ गए थे हम तो थोड़ा तैयार व्यार होके चेंज वगैरह किया क्योंकि गीले कपड़े थे। फिर लगी थी भूख लगने लगी थी, तो क्योंकि अभी टाइम हुआ था 5:30, क्योंकि इतनी देर तो हुई नहीं थी क्योंकि डिनर का टाइम नहीं है, तो हमने बनाए मैक्रोनी। मैक्रोनी हो चुके हैं रेडी, अब मज़े से बैठकर खाते हैं और यहाँ पर अपना व्लॉग करते हैं एंड। मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।